जालंधर शिक्षा विभाग की ओर से जोनल नंबर एक से संबंधित जोनल खेलों के अंतर्गत लड़कों व लड़कियों की बास्केटबॉल खेल प्रतियोगिता का आयोजन संस्कृत KMV स्कूल टांडा रोड की देखरेख में स्थानीय हंसराज स्टेडियम में 22 अगस्त से 24 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है, जबकि लड़कियों के वर्ग की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन KMV कॉलेज के खेल मैदान में किया गया। प्रतियोगिता के दूसरे दिन लड़कों के वर्ग में अंडर 14 व 17 वर्ष के लड़कों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता, जबकि वॉलीबॉल में लड़कियों की अंडर 14, 17, 19 आयु वर्ग के मुकाबलों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल खेल विभाग प्रमुख डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह, डॉक्टर प्रोफेसर दविंदर निर्मल सिंह, बलविंदर कौर, मोहनलाल अमरजीत व चाम भंडारी विशेष रूप से उपस्थित रहे। वहीं प्रतियोगिता के दूसरे दिन लड़कों की बास्केटबॉल प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। अंडर 14 वर्ष आयु वर्ग में दिल्ली पब्लिक स्कूल ने पहला, ब्रिटिश ओलिविया ने दूसरा व पुलिस DAV ने तीसरा। अंडर 17 आयु वर्ग में पुलिस DAV ने पहला, संस्कृत KMV ने दूसरा व डिप्स स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। KMV कॉलेज में लड़कियों की वॉलीबॉल प्रतियोगिता की अंडर 14 आयु वर्ग में पुलिस DAV ने पहला, सरकारी हाई स्कूल किशनपुरा ने दूसरा व स्टेट पब्लिक स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। अंडर 17 आयु वर्ग में पुलिस DAV ने पहला, सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने दूसरा व स्टेट पब्लिक स्कूल ने तीसरा स्थान हासिल किया। अंडर 19 आयु वर्ग में KMV कॉलेज ने पहला, स्टेट पब्लिक स्कूल ने दूसरा व संस्कृति KMV स्कूल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। जोनल खेल एक की संयोजक बास्केटबॉल व वॉलीबॉल प्रधानाचार्य रचना मुंगा ने विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जोनल टूर्नामेंट जेडे की शुरू हो चुके ने, आज ते हंसराज स्टेडियम विखे बास्केटबॉल दे टूर्नामेंट चल रहे ने। दूसरा दिन है अज, कल लड़कियां दा टूर्नामेंट खत्म होया सीगा, जबकि अज लड़कियां दी शुरुआत है। अंडर 14 ते अंडर 17 बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है, जिद लगभग 10 स्कूलों के 200 बच्चे पार्टीसपेट कर रहे हैं। और साड़ी जी कोशिश सी जिला टूर्नामेंट कमेटी के देख रेख के दे जोनल टूर्नामेंट कमेटी के वलों कन्वीनर मैम श्रीमती रचना मोंगा जी के संस्कृति KMV के प्रिंसिपल ने, उन्होंने वालों ये ग्राउंड प्रोवाइड कराई गई। और धन्यवाद करते हैं असी अनूप जी का, जिन्होंने कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट वालों सानू सारिया वो सुविधावान जीडिया कि इन्ह बच्चों के लिए जरूरत ने, टैक्निकल जरूरत ने, वो सारिया मुहैया करवाइया। बहुत वधिया ग्राउंड प्रोवाइड की है और बैठन का चाह पानी का पूरा इंतजाम किया गया है। तो असी अपने वालों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को वधिया मैच मिले, वधिया इन्हों ऑफिशेटिंग मिले और ये जोन की एक वधिया टीम तैयार होवे, जिदे करके आने वाली जिहड़ियां जिला खेडां है उहदे विच जोन नंबर 1 वधिया तरीके नाल पार्टीसपेट करे। तो नाल दे नाल मैं धन्यवाद करना चाहांगा साडे जोनल सकत्तर ते उहनां दे प्रधान खास करके बलविंदर जी का, कि जिन्हां ने सानूं इह मौका दिता और असी इस मौके ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DSO ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਆਫੀਸ਼ੇਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣ ਔਰ ਜੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਔਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰੇ।